हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक नया हेयर कलर। तो सबसे पहले मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को देखते रहें। इनका कलर हम चेंज करने वाले हैं। जो इनके बालों में ऑलरेडी कलर है वो है कुछ कॉफ़ी ब्राउन कलर का, उसको हम चेंज कर रहे हैं विद द रेड कलर। आप देख रहे हैं, मैंने फ्लैश के साथ पिक्चर भी लिया है, ये कॉफ़ी शेड में आ रहा है, राइट? तो सबसे पहले हम इनके बालों को शैम्पू कर लेंगे। शैम्पू करना बहुत ज़रूरी है। शैम्पू जितनी अच्छे तरीके से करेंगे उतने अच्छे तरीके से जो बालों के अंदर कलर डिपॉजिट हो पाएगा। तो शैम्पू आपको पता है, 2 से 4 मिनट लीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए सारे बालों में से। जितना भी एक्स्ट्रा डस्ट है, ऑयल है और जितना भी अनवांटेड स्टफ है वो निकलना चाहिए। जैसे ही वो निकल जाता है उसके बाद हम इन बालों को कर लेंगे ड्राई। बाल जैसे हो जाते हैं ड्राई, देन हम 20 वॉल्यूम लेने वाले हैं और 30 वॉल्यूम लेने वाले हैं। आप बताइएगा, 20 हम कहाँ अप्लाई करेंगे और 30 वॉल्यूम कहाँ अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कलर ट्यूब जो ली है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहले हम बाल कर लेंगे ड्राई, अच्छे से टेंगल्स निकाल लेंगे। ड्राई होने के बाद हम कलर कर लेंगे मिक्स। जो कि 20 वॉल्यूम से कलर लगाने वाले हैं वो हम लगाएंगे रूट्स पे। ये मैं कलर मिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे वो लगा रहा हूँ रूट्स पे। और जो 30 वॉल्यूम से लगाना है वो मुझे लगाना है रूट्स के बाद, जो मैंने जगह ब्लैक ब्लैक जगह हमारे पास बची हुई है। तो हम कलर ट्यूब ले रहे हैं नंबर 6.62, ये कलर ट्यूब है। स्मार्ट बोंड जो है वो साथ में मिक्स कर रहे हैं हम इनके बालों में, ताकि जितने भी बाल हम करेंगे कलर तो वो फ्रिजी ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए मुझे करना पड़ेगा स्मार्ट बोंड ऐड। अभी मैं लगा रहा हूँ 30 वॉल्यूम के साथ एप्लीकेशन कर रहा हूँ रूट्स छोड़ के, जो ब्लैक हेयर है, ताकि वो भी बाल अच्छे से कलर हो जाए। और फिर 20 वॉल्यूम से बाकी की जो लेंथ है उस पर डिपॉजिट करूँगा सेम कलर। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको इसी तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन सारे बालों में कलर एप्लीकेशन कर लेना है। जिन लोगों की भी कोई क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं मुझे मैसेज करके ये कमेंट बॉक्स में। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो टाइप नहीं कर पाता हूँ, टाइम नहीं होता है मेरे पास, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। सुबह के टाइम पे क्लासेस होती हैं, फिर देन उसके बाद सैलून। ये साइड बाय साइड हमारे यहाँ पे कैरेटिन चल रहा है, जैसे ही स्मूथनिंग कैरेटिन ख़त्म होगा देन इधर हमारे पास चल रहा है कलरिंग। ये हमारे एक स्टाफ हैं जो कर रहे हैं, इनके खुद के बाल बहुत लंबे हैं। तो यहाँ पे हम फिर से सेक्शन निकालेंगे। अभी लेंथ पे मैंने 20 वॉल्यूम से लगा दिया है 6.62। ध्यान से देखते रहिएगा, ये जो कलर है वो लगा के रखना है मुझे। टोटल 45 मिनट्स वेट करना है, टोटल 45 मिनट्स वेट करना है। इस एप्लीकेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे हमने 3 एप्लीकेशन की हैं। सबसे पहले की है रूट्स पे, फिर की है मिड लेंथ पे, और देन उसके बाद लास्ट में की है लेंथ पे। तो 3 एप्लीकेशन है डिफरेंट वॉल्यूम के साथ, डिफरेंट हमारे रीज़न थे इसलिए किए हैं। रूट्स पे 30 वॉल्यूम नहीं लगा सकते हम, 20 लगाया बिकॉज अदरवाइज रूट्स डैमेज हो जाते और हेयर निकल आते उनके। और लेंथ पे हमने 20 वॉल्यूम इसलिए लगाया, ऑलरेडी कलर्ड है, उसमें सिर्फ कलर डिपॉजिट करना है। और मिड लेंथ में जो कलर हमने लगाया 30 वॉल्यूम के साथ, क्योंकि वो उनके बाल जो हैं 3 नंबर के हैं और हमें 6 नंबर पे जाना है, तो 3 लेवल लिफ्ट किया तो उसके लिए 30 वॉल्यूम यूज़ किया। यहाँ पे हम स्मार्ट बॉन्ड नंबर 2 लगा रहे हैं आफ्टर वॉश। वॉश होने के बाद आपको रिज़ल्ट दिखाने वाला हूँ, इनका फाइनल रिज़ल्ट क्या आया है। उस बीच में जिन लोगों ने अभी हमारा इंस्टाग्राम पेज है, जिनको भी कोई क्वेश्चन इंक्वायरी है प्लीज़ हमें मैसेज करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है हेयर सॉल्यूशन, वहाँ पे हमारी टीम जो है वो आपको रिप्लाई करेगी। ये है स्मार्ट बॉन्ड नंबर 2 जो हम लगा रहे हैं, इसको प्री शैम्पू भी बोलते हैं। इसके बाद आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, उसके बाद हमने कर दिया है इनको ड्राई।
बाल सुखा देंगे अच्छे से। आप देख रहे हो जैसे कि कलर ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है लेंथ पे, रूट्स पे। तो मैं एग्जैक्ट शेड जो हमने डाला है 6.62 रेडिश टोन है, आप देख रहे हो हल्का हल्का रेडिश टोन आ रहा है। मैं बाहर लेके जाऊंगा स्पेशली, आपको इसकी पिक्चर्स और वीडियो दिखाऊंगा इनके बाल कैसे दिख रहे हैं, स्पेशली जैसे ही ड्रायर हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे हमने कर रहे हैं ड्रायर अच्छे से, उनको कर्ल्स चाहिए एंड्स पे। जैसे ही ड्रायर हो जाएगा उसके बाद का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। ये हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट है जो काम कर रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे सीख रहे हैं साथ साथ में काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे ट्रेंड हैं हमारे पास, अगर किसी को स्टाफ की रिक्वायरमेंट है तो वो भी बता सकते हैं। ऑल इंडिया हमारे पास है स्टाफ, जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं स्टाफ के लिए। बट अगर आप मैसेज करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे व्हाट्सअप के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, ड्रायर, ब्रशेस, कॉम, टेल कॉम, एवरीथिंग जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, इवन कलर, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हमने लिंक दिए हुए हैं। आप जाके उसको क्लिक करेंगे ना तो आप डायरेक्ट अमेज़ोन के लिंक पे चले जाएंगे, वहाँ जाके 2 मिनट में आप जो भी चीज़ आपको चाहिए वो खरीद सकते हैं। तो ये कलर ट्यूब अगर आपको चाहिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाके खरीद लेना वहाँ से। तो बहुत ईजी हो गया आज कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं आप जाके खरीद सकते हो, इवन ब्रशेज, ड्रायर, कॉम, सीजर, क्लिप्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्रायर ख़त्म होने आया हमारे क्लाइंट का, इसके बाद का रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। शॉकिंग रिजल्ट है, क्योंकि ये इंडोर बैठे हैं तो जो एग्जैक्ट रिजल्ट है वो नहीं दिखता है, लाइटिंग में इतना अच्छा नहीं दिखता है, मतलब इंडोर लाइटिंग में। आउटडोर लाइटिंग में दिखाऊंगा आपको इसका रिजल्ट, यू गाइस गोना लव इट, ट्रस्ट मी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और कोई भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें और मैसेज करें वहाँ पे, तो हम आपको बताएंगे कि इसका हल क्या है। ओके, तो जिन लोगों को हमसे बात करनी है रिगार्डिंग कोर्स, जो ऊपर आ रहा है नंबर, उस पर आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमारी एकेडमी कहाँ पे है और कोर्स क्या करवाते हैं। अभी हमारी एक एकेडमी है अहमदाबाद में, हम यहाँ पे सिखा रहे हैं। जिनको भी कोर्स करना है रिगार्डिंग हेयर कलर, कटिंग, एवरीथिंग, सारे बेसिक कोर्स से लेके एडवांस कोर्स तक हमारे पास अलग अलग कोर्सेज हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, वो आप पे डिपेंड है आपको क्या करना है। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्रायर ख़त्म होने आया है हमारा, सिर्फ फ्रंट का बॉक्स एरिया बाकी है। जितना टाइम आप अच्छे से ड्रायर में देंगे तभी वो अच्छे से रिजल्ट और जो हेयर कट है वो अच्छा दिखाई देगा, अदरवाइज वो दिखाई नहीं दे पाएगा कि हमने क्या किया हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अच्छा हेयर कट एंड अच्छा कलर, देन उसके बाद अच्छी स्टाइलिंग, प्रेजेंटेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है लास्ट में जो हम ब्लो ड्राई करने वाले हैं, तो वो ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे सारे ब्लो ड्राई हो चुका है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनका फाइनल लुक। ये है इनका फाइनल लुक, आप देख रहे हो कलर दिख रहा है अभी, राइट? यस, ये कलर है जो हमने किया, ये फाइनल लुक है आज का, जो कि रेड स्टोन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा की जो, अल्लाह हाफिज़।